हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवसेना के 2 दर्जन विधायकों ने गुजरात में डाला डेरा। संकट में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के सत्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को MLC चुनाव में भाजपा ने शिवसेना नित MVA गठबंधन को झटका दिया और इसके बाद मंगलवार को पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के बागी होने की खबर मिली है। इसके साथ ही करीब 3 साल पहले बनी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे नीत अघाड़ी सरकार संकट में आ गई है। अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल हो सकता है। इधर CM उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है, वहीं बागी विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। पता चला है कि शिवसेना के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। शिंदे सोमवार शाम के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं थे। वे महाराष्ट्र में शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। बताया गया है कि उनकी ठाकरे परिवार से अनबन चल रही है। वे पार्टी प्रमुख व CM उद्धव ठाकरे का भी फोन नहीं उठा रहे। शिवसेना के 2 दर्जन विधायकों को विमान से सोमवार शाम सूरत ले जाया गया। इस बीच बागी विधायक मंगलवार दोपहर तक सूरत में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये विधायक शिवसेना नेतृत्व से नाराज बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि नेतृत्व द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी। सूरत के होटल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ शिवसेना में बगावत की खबरों के बीच CM ठाकरे ने जहां अपने पार्टी नेताओं व विधायकों की बैठक बुलाई है, वहीं राकांपा प्रमुख शरद पवार भी अपने निवास पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अपना दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया है। तो आज विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी को लेकर शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में सोमवार को बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई थी। 10 सीटों के लिए सोमवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को फिर झटका लगा है। भाजपा ने अकेले 5 सीटें जीत ली, वहीं शिवसेना और राकांपा ने 2-2 सीटें जीती है, तो कांग्रेस के साथ सिर्फ 1 सीट आई है। राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार MVA को झटके से CM व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जमीन खिसकती प्रतीत हो रही है। क्रॉस वोटिंग की आशंका इसलिए गहराई गई है क्योंकि शिवसेना को अपने 55 विधायकों समर्थन निर्दलीय विधायकों के बावजूद सिर्फ 52 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में ठाकरे के नेतृत्व में राकांपा कांग्रेस व शिवसेना की साझा सरकार बनी थी। शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी थी, लेकिन ठाकरे को CM नहीं बनाने से उसने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। कुछ सीटें रिक्त हैं तो कुछ विधायक जेल में हैं, इसलिए प्रभावी संख्या 285 है। ऐसे में बहुमत के लिए 143 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उद्धव ठाकरे सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन है। यदि शिवसेना में फूट पड़ती है तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूटकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा पहले ही सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के 106 विधायक हैं तो राजग के मिलाकर 113 विधायक हैं, इसलिए वो दावा पेश कर सकती है और इनका समर्थन हासिल कर सकती है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की खास रिपोर्ट।